ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया में इंटरनेट की खपत बहुत ज्यादा है। इंडिया एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा या ब्रॉडबैंड का डेटा इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर खपत बहुत ज्यादा है। ऐसी कंट्रियों में इसका नाम आता है जहां पर बहुत सारा डेटा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेट की स्पीड की रैंकिंग में हमारा देश 109 नंबर पर आता है, मतलब यहां पर 3G के नाम पर 3G नहीं मिलता, 4G के नाम पर 4G नहीं मिलता और ब्रॉडबैंड के नाम पर असली ब्रॉडबैंड की स्पीड नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि पहले ब्रॉडबैंड की स्पीड क्या हमारे यहाँ डिसाइड की जाती थी, मतलब ब्रॉडबैंड किसे कहते थे। 500 kbps की अगर स्पीड आती है आपके पास तो उसको पहले ब्रॉडबैंड कंसिडर किया जाता था, जो सबसे लोएस्ट होती थी स्पीड ब्रॉडबैंड की, वो 500 kbps मानी जाती थी। बाद में सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया कि कोई भी ऑपरेटर है अगर वो उसे ब्रॉडबैंड कहना चाहता है तो उसकी स्पीड उसको कम से कम 2 mbps करनी पड़ेगी। अब आप जानते हैं कि 2 mbps के प्लान में कितनी स्पीड आती है, बहुत कम आती है, बहुत कम। तो हमारी इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, हम 4G के नाम पर भी पूरी तरह से 4G नहीं मिल पाता, 3G के नाम पर तो 3G नहीं मिलता था, ठीक है। और अगर आप कैसे ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क ठीक से नहीं आते, तब तो भगवान भरोसे है आपका इंटरनेट चलता भी होगा या नहीं चलता होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरनेट तब से इस्तेमाल कर रहा हूँ जब 2G हुआ करता था, जब फ़ोन में GPRS वाला G आया करता था और एक वेब पेज को लोड होने में 5 से 6 मिनट लग जाया करते थे। मोबाइल फ़ोन में GPRS, पैकेट डाटा, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो अब आपके ये इंतज़ार, आपके ये जो वेब पेज के लोड होने का इंतज़ार है और आपकी स्लो इंटरनेट की जो चीज़ है ये अब खत्म होने वाली है, और इसको ख़त्म करने वाली है इसरो। जी हाँ, इसरो को तो आप जानते ही होंगे। तो अब वो हमारे देश में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है कम स्पीड की, वो खत्म हो जाएगी। जो इसरो के चीफ हैं KS सिवान, उन्होंने कहा कि अगले साल के अंत तक हम GSAT सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। GSAT 11, 29 एंड 20, ये 3 सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी। हाँ, और इससे पूरे इंडिया में 100 Gbps की स्पीड प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, जो ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल डेटा वगैरह यूज करते हैं, तो आपकी स्पीड अब बढ़ जाएगी क्योंकि इंडिया ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं सैटेलाइट इंप्लीमेंटेशन के लिए। मतलब अब हमारी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जाएंगी जो कि पूरे देश में 100 Gbps की कॉन्स्टेंट स्पीड आपको प्रोवाइड करेंगी। यहां पर कॉन्स्टेंट मेंशन किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कॉन्स्टेंट तो नहीं होगी, फ्लक्चुएट तो ऑलवेज ये फ्लक्चुएट करती है, कॉन्स्टेंट स्पीड आपको बहुत कम ही मिलती है। तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट की क्रांति, इंटरनेट की स्पीड की क्रांति बहुत पहले ही आ चुकी है और ये जियो के फॉर्म में आ चुकी है। अब भारत सरकार भी इसके साथ हाथ मिला रही है, जियो के साथ नहीं, इस मुहिम के साथ हाथ मिला रही है कि आपको फास्ट इंटरनेट मिले और जो हमारी इंटरनेट स्पीड की रैंकिंग है इंडिया में वो थोड़ी सी सुधरे, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी अगर 100 Gbps की स्पीड आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुशी हुई होगी और आने वाले साल के अंत तक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं, BSNL का या जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपके प्लान तो शायद उतने ही रहेंगे लेकिन आपकी जो स्पीड जो प्रॉमिस की जाती है उससे ज़्यादा बेटर भी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपकी करंट इंटरनेट स्पीड क्या है, मुझे जानकर खुशी होगी। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ का एक इथिकल हैकिंग कोर्स है जो कि छोटे बच्चों को, बढ़ते बच्चों को ये बता देगा कि इथिकल हैकिंग होता क्या है और इसको कैसे सीखा जाता है और आप इसमें करियर कैसे बना सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।